हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो शाम हो चुकी है और आज बन रहे हैं शाम को प्याज के पकौड़े, क्योंकि बारिश हो रही है और इसलिए प्याज के पकौड़े। तो इधर पे कुछ बैटर है और इधर पे मैं फ्राई कर रही हूँ, तो देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ। तो प्याज के पकौड़े मेरे फ्राई हो रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं ये, और कुछ तल के मैंने रख भी लिए हैं ऑलरेडी, काफ़ी कलरफुल सा आया है। तो अब दूसरा पार्ट मैं फिर से डाल रही हूँ प्याज के पकौड़े, और मैं हाथों से डालती हूँ, स्पून का यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि हाथ से एक अच्छा सा चपटा सा शेप आता है और अच्छी तरह से वो पक भी जाती है। स्पून से डालेंगे तो थोड़ा मोटा मोटा सा ही रहता है और अंदर ठीक से वो पकती नहीं है, तो खुद खुद बन के रेडी हो जाएगी पके शेप में। ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे प्याज के पकौड़े मैंने तल लिए हैं, तो अब गर्मा गर्म चाय बनाऊँगी और खाऊँगी प्याज के पकौड़े विद गर्मा गर्म पत्ती। और इधर तो मैं फ्राई कर रही हूँ, तो थोड़ा अलग फ्रिट करना भी ज़रूरी है। माव और कैंडी साइड से मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जो कि मैं आपको कैमरा में दिखा नहीं सकती। मुझे डर लग रहा है क्योंकि इधर का गर्मा गर्म ऑयल है, पर ये बच्चे बात सुनने को राजी ही नहीं है।